नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर मैं आई हूँ एप्पल के बारे में जानकारी तो लेकर। जैसा कि हम सब कुछ नया लगाने से पहले थोड़ा स्केप्टिकल रहते हैं, यानी शंका में रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने ये गर्म जगह पे नहीं देखा है। तो दोस्तों, मैं भी डाउटफुल थी, लेकिन अब मैं श्योर हो चुकी हूँ कि ये होता है। और जब हरियाणा राजस्थान में हो सकता है, तो हमारा असम कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा है वहाँ से, तो इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। इसकी टहनी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी मोटी हो गई है, लेकिन अभी भी मैं बोल नहीं सकती कि कितने महीने इसको अच्छे से सर्वाइव करके रख सकते हैं हम। अभी तक तो ये ठीक है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। देखिए, न्यू बर्ड्स निकल रहे हैं, अभी भी ब्रांचिंग हो ही रही है। थोड़ा पेस्ट कंट्रोल में आपको ध्यान रखना पड़ता है, इंसेक्ट्स भी इसकी पत्तियों को खाने के लिए आते हैं, इनमें अंडे देते हैं, फिर उन अंडों में से इनमें कैटरपिलर निकलते हैं, उनकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जितना भी प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस का, ये पत्तियों के सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर। और इनके जो जो प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि आपका ट्रांसपिरेशन हो गया और काफ़ी गैशियस एक्सचेंज वगैरह, तो ये सब पत्ते करते हैं। तो ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी देनी थी आपको कि पत्तों को नुकसान पहुंचने से इसके प्लांट के ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये प्लांट देखिए, ये ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं था, इसलिए काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। वहीं आप अगर दूसरे प्लांट को देखेंगे, तो इसे आप देखिए, इसके पत्तियों को ऑलरेडी कीड़ों ने खा दिया है और देखिए जाला सा बन गया है। तो काफ़ी इस पौधे की ग्रोथ स्टंटेड हो गई है जिसके वजह से। और मैं इसको ज़्यादा केमिकल्स देना नहीं चाहती थी, और एक बार इसमें मैंने इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया था, काफ़ी कम डोसेज दिया था मैंने, और इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसका, और कीड़े मरे भी नहीं, देखिए आप। और अभी मैंने दोबारा से इसमें कोई इंसेक्टिसाइड डाला नहीं है। जब हम नई बागवानी करते हैं तो जितना हो सके ऑर्गेनिक ही रखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग कमर्शियल करते हैं वो बेचारे क्या करेंगे, उनको तो कुछ अर्निंग निकालनी ही होती है, तो उनको इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं। तो वैसे भी हॉर्टिकल्चर में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो भी फूड की डिमांड है वो कैसे कंप्लीट होगी। तो अगर हम उसकी डोसेज ठीक डालें तो वो इंसानों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हमें डोसेज का ख्याल बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। तो इसमें भी मैं आशावादी हूँ, क्योंकि ये प्लांट पूरी तरह से अभी मरा नहीं है, इसमें पत्ते अभी भी हैं, और इनकी जो कीड़े हैं उनकी हैंड पिकिंग ही कर रहे हैं हम लोग, हाथ से पिक करके उनको फेंक रहे हैं, रात को ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं इसके जो डैमेज लीव्स है उसको काट रही हूँ, और कहीं कहीं से इसके डालियों को भी थोड़ा काट रही हूँ। तो इन सब चीज़ों का आपको विश्लेषण करते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। और ये एक और पौधा है जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, देखिए ये कम से कम 7 फीट का ये हो गया है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और इसमें कीड़ों का प्रकोप भी कम है कंपेरेटिवली। इसकी टहनी भी काफ़ी मोटी हो चुकी है, ये भी HRMN था, ये देखिए। ये सारे 7 मंथ्स के पौधे हैं। और ये जो थी वो 1 ईयर की ग्राफ्टिंग थी, न्यू ग्राफ्टिंग नहीं थी। और देखिए, मैं दो चीज़ आपको दिखाती हूँ, एक तो ये अंडे, एक तो ये अंडे है कीड़े के, और एक है ये कीड़े।
ये है वो कीड़ा जो नुकसान पहुंचाता है, आप देखिए इसे दोस्तों, ये कैटरपिलर है जो कि अंडों से निकलता है, और यही पीला पीला दिखने वाला कैटरपिलर ये एप्पल के पत्तियों को खा रहा है। काफ़ी हैं इसमें, तो जैसे ही आपको ये सब दिखे आप हैंड पिक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, आपके पास अगर होम गार्डनिंग के लिए 4-5 पौधे हैं उसको आप हैंड पिक करके फेंक दीजिए, मतलब किसी किसी चीज़ की मदद से आप उसको हटा दीजिए और मार दीजिए, ताकि ये फिर से उसमें पत्तों में ना जा सके। लेकिन आप अगर कमर्शियल में कर रहे हैं, आपका 4-5 एकड़ का है आपका फार्म, तो आप हाथों से कैसे पिक करेंगे, उसमें बहुत लेबर आता है। तो लोग इसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, एमिडा क्लोरोपिड और क्लोरोपाइरफॉस, तो ये सब चीज़ों का छिड़काव इसमें होता है। देखिए एक और है यहाँ, तो इस तरीके से ये काफ़ी बढ़ जाते हैं, एकदम 100-100 की तादाद पे आ जाते हैं। तो आप करें भी तो क्या करें, बचाना तो होता ही है प्लांट्स को। तो ये सब कुछ पेस्ट है, और फार्मिंग में यही कुछ पहलू है जो ऑर्गेनिक में थोड़ी सी बाधा बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फार्मिंग करते जाएंगे हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, और हम नए रास्ते निकालते जाएंगे इसके लिए भी। तो मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो ये है अपडेट हमारे एप्पल की, और कुछ उसके दूसरे पहलू जो मतलब आपकी बाधा बन सकते हैं फार्मिंग में, वो सब भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इसी प्रकार दूसरे पौधे भी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहचान में तो अभी इतना नहीं आ रहा है, पर ये शायद एना वैरायटी का था। ये एक और पौधा है जिसकी ग्रोथ अभी 5 फीट ही है, 5 फीट भी नहीं है, 4.5, लेकिन कैनोपी काफ़ी अच्छी है, इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। देखिए चारों तरफ से इसकी ब्रांचिंग काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये भी कीड़े ने इन्फेक्ट किया हुआ है, खाया हुआ है। तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, 1 वीक पहले मैं देख के गई थी तो ये सब ठीक ही थे। तो इस मंथ में दोस्तों, इस सीज़न में ये कीड़े अंडे देते हैं और इनमें से कैटरपिलर निकलते हैं, तो किसी भी वेजिटेशन को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये फॉलिएज को खाते हैं, और देखिए अगर पत्ता ऐसा हो जाएगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हैम्पर होगी, जो कि जिससे पौधे खाना बनाते हैं, और अगर उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो समस्या तो आ ही जाएगी। फिर भी ये पौधे बड़े हो रहे हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन ग्रहण कर रहे हैं, ज़मीन की न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहे हैं। तो दोस्तों आगे मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे प्लांट्स फरवरी मार्च से लेकर अब तक किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो एप्पल प्लांट्स की बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, तो ये गुड न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट रीजन और आस पड़ोस के राज्यों के लिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।